करना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं विनीत राय बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल के इस खास प्रोग्राम आज के राशिफल में। हमारे द्वारा आपको समय समय पर ग्रहों की दशा और उनके परिवर्तन के बारे में आपको जानकारी हासिल होती रहती है। हम आपकी राशियों के ऊपर ग्रहों के इन सभी परिवर्तन की वजह से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब की जानकारी हम समय समय पर मुहैया कराते रहते हैं। राशि फल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है और राशि के अनुसार किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियों को हासिल की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशि फल का भी निर्माण किया जाता है और ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएँ भी हमेशा एक समान नहीं होती हैं। आज शनिवार 23 नवंबर का शुभ दिन है। आज शनिदेव अपने भक्तों की पुकार सुनेंगे, जबकि इनको खुश करने के लिए मनुष्य के मन में सिर्फ सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। आज शनिदेव की कृपा से कुछ राशियों का भाग्य हीरे मोती की तरह चमकेगा और इन राशि वालों की खूब मौज भी होने वाली है। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है, आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशिफल में मिलेगा। तो जानने के लिए देखें हमारा आज का ये राशिफल। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए आज आपका कारोबार अच्छा हो सकता है, आपसी रिश्ते मजबूत होंगे और परिणाम सुख में बदलने के लिए शुभ योग निर्मित होंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ बहुत कुछ खास भी करने वाला है, योजनाओं को साकार करने के लिए सफलता देने वाला रहेगा। आज गपबाजी और अफवाहों से आप दूर रहें। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होने के संकेत हैं, जिससे कि परिवार में खुशहाली का माहौल भी बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए आज आपकी पुरानी परियोजना की सफलता आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। आपको माता पिता की ओर से आपको तोहफे में घर या फिर गाड़ी भी मिल सकती है। कार्य की प्रगति आपकी संभव होगी और आज अपने विरोधियों से आप सावधान रहें, निवेश करने का समय सही है। कार्य क्षेत्र में उन्नति और सहयोग देखने को मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति और वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी हॉबी आपको ऊर्जावान बने रखने में मददगार साबित होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए आज कई दिनों से रुका हुआ काम फिर से शुरू होगा। घर और काम पर दबाव आपको गुस्सैल और बेचैन भी बना सकता है। आज शाम से खुशियां ही खुशियां आपको मिलेंगी। आज इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके आस पास के लोग आपके और आपके परिवार के बीच मतभेद को पैदा करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा। विचारों का पता लगाने की अपनी क्षमता को प्रोत्साहित करें, लेकिन कल तक कुछ भी कम करने के लिए प्रतीक्षा करें। सफलता के लिए आप पूरी कोशिश भी करेंगे। कई लोगों के साथ साथ अधिकारियों का भी ध्यान आप पर रहेगा और आने वाले समय में ये लोग आर्थिक समृद्ध भी हो सकते हैं। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से आज भर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए आज कारोबारियों को अच्छा धन लाभ होगा। आपका जीवन खुशनुमा बना रहने वाला है और आपके आत्मविश्वास में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। आप पिछले कुछ दिनों से अधिक गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन इस गुस्से में आप अपना ही नुकसान करेंगे, इसलिए आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। इसलिए अपने हृदय में प्रेम को भी स्थान दें और आज आपका मन भी भटक सकता है और आप अपने प्रेमी और किसी और के बीच
खुद को भावनात्मक तौर पर उलझन में महसूस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज यात्रा पर जाने से बिजनेस को लेकर कोई नई योजना आपके मन में आएगी। कैरियर में आने वाला बदलाव आपके लिए यादगार साबित होगा। घर पर मेहमानों का आना दिन का बढ़िया और खुशगवार बना देगा। जीवन साथी से उपहार मिलने का योग बन रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए आकस्मिक यात्रा दौड़ भाग भरी और तनावपूर्ण हो सकती है। प्यार के मामलों में आज दिल पर चोट लगने की संभावना भी बन रही है, इसलिए आप संभल कर रहें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले आज अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका अदा करेंगे। लोगों की मदद करने के लिए भी एक उदारता का नजरिया बनाए रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और किसी भी प्रियजन से आज आपका मेल मिलाप भी हो सकता है। अपने मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और भारी भावनात्मक शांति संतुष्टि भी आपको मिलती रहेगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आने की संभावना भी बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए आज आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और अपने पैसे से जुड़े हुए फैसलों में किसी भी तरह की कोई भी गलती आप न करें। खासकर बार बार उभरती हुई परेशानियों को इस समय कोई भी हवा न दें और नए वस्त्राभूषण तथा प्रसाधन के पीछे आपका धन अधिक खर्च होने की संभावना बन रही है। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध भी रह सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए आज आपको जीवन साथी से और परिवारजनों से भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। आपका आत्मविश्वास इस समय आपको भरोसा भी दिलाएगा कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आप बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए आगे भी बढ़ेंगे और जल्दबाजी में लिया गया आपका फैसला आपको परेशानियों में भी डाल सकता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले आप आराम से सोच विचार कर लें। महिलाएं अपने कर्तव्यों को लेकर आज चिंतित रह सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए आज नौकरी में उच्चाधिकारियों की कृपा दृष्टि से आपके लिए पदोन्नति भी संभव हो रही है। बच्चों से असहमति के चलते वाद विवाद भी हो सकता है और ये झुंझलाहट भरा साबित भी होगा। पैसों की ओर एक नज़र आपको रखनी होगी और अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी संभालना पड़ेगा। विवाह के इच्छुक व्यक्तियों को आज जीवन साथी मिलने का भी योग बन रहा है। परिवार में पत्नी और पुत्र से अच्छे समाचार मिलेंगे। आज कोई भी ऐसा वादा न करें जिसे आप पूरा न कर सकें। तो दर्शकों, आपने अभी राशिफल 24 नवंबर 2018 के सभी 12 राशियों का राशिफल देखा और सुना। आपको राशिफल का ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमारे द्वारा बताया गया ये राशिफल अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपकी कुंडली और राशि के ग्रहों के आधार पर आपके जीवन में घटित हो रही घटनाओं में कुछ बदलाव जरूर हो सकता है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप किसी पंडित या फिर ज्योतिषी से भी मिल सकते हैं। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार। अगर आप बनाना चाहते हैं मीडिया में अपना सफल भविष्य, तो आपके पास है 15 अगस्त से पत्रकार बनने का सुनहरा मौका। कमजोर छात्रों की बड़ी ताकत। सिर्फ 6 महीने में लें असल मीडिया की ट्रेनिंग। हमारा लक्ष्य हर छात्र बने सबसे बेहतर। दिल्ली में पहली बार नेक्स्ट 9 मीडिया स्कूल, जो हिंदी भाषा में सिखाएगा पत्रकारिता की तमाम बारीकियां। लॉग ऑन टू अवर वेबसाइट www.next9mediaschool.com। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।